क्या रोमन रेंज की ब्लड लाइन बोर हो चुकी है? क्या ब्लड लाइन अपना लास्ट मैच लड़ने वाली है? क्या ब्लड लाइन से कोई मेंबर रोमन रेंज को बिट्रे करने वाला है? क्या ब्लड लाइन का नामो निशान खत्म हो जाएगा? इन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब ब्लड लाइन की बात करें तो ये फैक्शन पिछले काफी टाइम से डोमिनेट फैक्शन के तौर पर WWE में दिखाई दे रहा है, जिसने अपने सामने आने वाले सभी सुपरस्टार को धूल चटा के रख दी है। वहीं इसके लीडर रोमन रेंज के तो क्या ही कहने, वो इस फैक्शन के लीडर हैं। शायद इसी वजह से ये फैक्शन इतना डोमिनेट बन पाया, बट पिछले कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि ब्लड लाइन बोर हो चुकी है और पहले से कहीं कमजोर भी होती चली जा रही है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब एक टाइम था जब सैमी ज़ेन इस फैक्शन का पार्ट बने, तब ब्लड लाइन की हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं सैमी ज़ेन जब से इस फैक्शन से अलग हुए हैं, तब से ये फैक्शन में उतना मजा नहीं दिखाई दे रहा है। सैमी ज़ेन को केविन ओवेंस ने ज्वाइन करा, फिर कॉडी रूट्स और अब रिडल, ये सभी ब्लड लाइन के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ने ब्लड लाइन को खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है, मतलब कि ये लोग चाह रहे हैं कि ब्लड लाइन को ये निस्ता नाबूद कर दें। अब रेसलमेनिया 39 में उसोस की फ्यूड केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ दिखाई दे रही थी, जो कि काफ़ी सही बिल्ड हुई थी। वहीं केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने उसोस को हरा के उनका 600 दिन लंबा टाइटल रन भी एंड कर दिया। अब रेसलमेनिया 39 के बाद लगा कि ब्लड लाइन के मेंबर्स के बीच उसोस की हार की वजह से कुछ अनबन दिखेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। उल्टा उसोस सोलो सिकोवा मिलकर रिडल केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं टाइम टाइम पे WWE ने ब्लड लाइन के मेंबर्स के बीच कुछ बड़ा होना टीज करा है, बट पता नहीं फिर वो दिखता ही नहीं है, मतलब कि शायद वो आइडिया WWE ड्रॉप कर देती है। जैसे आपको जे उसो का याद ही होगा, जे उसो की एब्सेंस काफी ज्यादा हाइप पकड़ चुकी थी, बट जब वो लौटे तो कुछ खास उनको लेकर के देखने को नहीं मिला और वो वापस से रोमन रेंस की ब्लड लाइन में दिखाई देने लगे हैं। वहीं बार बार चीजों को रिपीट भी करा जा रहा है। सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस काफी बार उसो सोलो सिकोवा के खिलाफ दिख चुके हैं। वहीं प्रोमो भी काफी रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेम बातें काफी बार रिपीट भी हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं अब ब्लड लाइन को बोरियत बना रही हैं। वहीं हर मैच की एंडिंग सेम तरीके से होना, और तो और मैच के बाद सैमी ज़ेन केविन ओवेंस पर वैसे ही बार बार अटैक दिखाना, कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की इंपॉर्टेंस अब खत्म करता चला जा रहा है। वहीं रोमन रेंज इस फैक्शन के लीडर हैं, वो काफी कम दिखाई देते हैं, जिस वजह से चीजें काफी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और दिखते हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन ब्लड लाइन को लेकर उनका नहीं दिखता है। वहीं सोलो सिकोवा इस टाइम रोमन रेंज के खास दिख रहे हैं और सोलो हैं कि बोलते ही नहीं है, तो स्टोरी लाइन का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। वहीं बात करें ब्लड लाइन के एंड होने की, तो देखिए मेरा मानना है कि WWE को ब्लड लाइन को तब एंड करना चाहिए जब इसकी हाइप बहुत ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि फैंस इससे बोरियत हो रहे हो, बोर हो रहे हो और WWE फिर इस फैक्शन को एंड कर दे। वहीं उसोस अपना टाइटल हार चुके हैं, उसके बाद रोमन रेंज का उसोस को मिलने से मना कर देना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ब्लड लाइन का एंड अब नजदीक आ चुका है। वैसे भी चांसेस हैं कि बैकलैश में ब्लड लाइन का एक साथ ये आखिरी मैच हो सकता है। वैसे भी जो दिख रहा है उससे ऐसा साफ है कि उसोस सोलो सिकोवा बैकलैश में साथ में मिलके मैच लड़ने वाले हैं। इस दौरान होगा ये कि जे उसो और सोलो सिकोवा आमने सामने आ जाएंगे, दोनों के बीच अनबन बढ़ सकती है और फिर ये दोनों आमने सामने आके एक दूसरे पर हो सकता है कि हार का ठीकरा भी फोड़ते हुए नजर आ जाए। यही वजह बन सकती है ब्लड लाइन के एंड होने की। फिर रोमन रेंज भी सोलो सिकोवा के साथ होंगे और आगे चल के रोमन रेंज का सोलो सिकोवा पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ही उनके लिए परेशानी बन सकता है। सोलो सिकोवा रोमन रेंज को धोखा देते हुए उन पे अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखना यह होगा कि ब्लड लाइन कब तक साथ में दिखाई देती है। क्या वो तब तक दिखेगी जब तक रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, या उससे पहले ही ये एंड हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं रोमन रेंज की हार में बड़ा रोल अदा करेगी। अब देखना यह भी होगा कि कहीं ब्लड लाइन का मेंबर ही तो रोमन रेंज को डिथ्रोन नहीं करता है, या कोई और सुपरस्टार रोमन रेंज को डिथ्रोन करता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ सारा था ब्लड लाइन से रिलेटेड। अब आप कितने एग्री करते हैं इस बात से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।